दिल्ली में फिर दरिंदगी, होटल में महिला को बेहोश कर तीन लोगों ने किया गैंगरेप। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक होटल के कमरे में तीन लोगों ने कथित तौर पर एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी अजय, तारा चंदन और नरेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं। पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने बताया कि घटना की सूचना देने के लिए आदर्श नगर थाने के पीसीआर पर रविवार को फोन आया था। पुलिस उपायुक्त के अनुसार महिला ने बताया कि उसे उसके एक परिचित अजय ने रविवार को एक होटल के कमरे में बुलाया था, जहां उसके दो दोस्त भी मौजूद थे। उन्होंने महिला को कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीले पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद तीनों ने महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि महिला के बयान और मेडिको लीगल केस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376D, 377 और 328 के तहत आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया, अपराध दल ने होटल से सबूत एकत्र किए हैं और मामले की जांच जारी है। आप सभी का इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।